नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप का ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर की चरम सीमा है। इससे बेहतर, इससे सुंदर और इससे अच्छा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में शायद ही पढ़ने को और देखने को मिला होगा। इसमें हिडन एडजस्टमेंट भी बहुत सारी है, तो चलो अपन आज इस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं हिडन एडजस्टमेंट कैसे ट्रीट करते हैं और बाकी एडजस्टमेंट भी अपन देखेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ आवर क्लास शीट। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोट शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। दोस्तों, केतन एंड चेतन आर इक्वल पार्टनर्स, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाफ रहेगा। द ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एज अंडर। नोट शीट में थोड़ा सा करेक्शन है, देख लेंगे आप लोग। इसके मुताबिक 31 मार्च 2018 आपका ईयर एंडिंग है, 31 मार्च 2018 का ट्रायल बैलेंस दिया है। परचेस डेबिट का परचेसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। 80,000 क्रेडिट में दिया है, ये सेल्स है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न, ये जो आपको क्रेडिट में रिटर्न दिया है दोस्तों, ये आपका रहेगा परचेस रिटर्न, ये माइनस हो जाएगा आपका परचेस में से। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस। दोस्तों अभी आप देखेंगे मैं इसके साथ हिडन एडजस्टमेंट जो है वो डिस्कस करता हूं। जब भी कोई आइटम के सामने परसेंटेज लग के आएंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वहां पे आपकी हिडन एडजस्टमेंट यानी छुपी हुई एडजस्टमेंट रहेंगी। 10% लोन क्रेडिट में देके रखा है, लायबिलिटी है, तो आप देखेंगे इसके ऊपर एडजस्टमेंट बनेंगे आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आएगा आपका 5000 के ऊपर 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा आपका 500। फिर क्या करना है दोस्तों, आपने इसमें से इंटरेस्ट पेड ऑन दिस लोन जो है वो आपने फाइंड करने का है। ये आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया रहेगा। तो देखो उसी के नीचे दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन द अबव लोन, ये डेबिट में देकर रखा है, ये पीएल के डेबिट में जाएगा। तो 100 रुपीज का इंटरेस्ट हमने पे किया है। सिंपल सा लॉजिक है, 5000 का हमने लोन लिया जिसके ऊपर हमें 10% ब्याज देना है, यानी ब्याज देना था 500 रुपया। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे 100 के जगह 500 रुपया दिखना चाहिए था, लेकिन दिखा कितना, 100 रुपीज, यानी हमने 100 रुपया ब्याज पे कर दिया है, 400 रुपया पे करना बाकी है। इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके दो इफेक्ट होंगे दोस्तों, 400 के पीएनएल के डेबिट में ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 100 उसमें ऐड होगा और लायबिलिटी में दिखेगा। ये आपके हमने हिडन एडजस्टमेंट को ट्रीट कर दिया दोस्तों। अभी देखेंगे 20% डिबेंचर यानी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको डेबिट में देकर रखा है, यानी ये असेट है अपना। हमारे पार्टनरशिप फर्म ने कोई एक बड़ी कंपनी है उसके डिबेंचर्स खरीद के रखे हैं, यानी इन्वेस्ट किया है। कब खरीदा है हमने, 1 जनवरी 2018 को। ईयर खत्म हो रहा है अपना कब, 31 मार्च 2018 को, जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ और 31 मार्च 2018, यानी 3 मंथ्स के लिए ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। चलो इसके ऊपर का भी अपन इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपने को देखेंगे अपन। 2000 रुपए के ऊपर हमें 20% से 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, इंटू 3/12 कर देंगे। सो 2000 का 20% आएगा 400, इंटू 3/12 कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 100। इसमें से लेस कर देंगे हम
इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देके रखेंगे दोस्तों। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर यानी ये क्रेडिट में दिया है यानी इनकम है अपना, पीएनएल के क्रेडिट में चला जाएगा। 50 रुपया मिला है, मिलना चाहिए था 100 रुपया, 50 मिला है, तो 50 मिलना बाकी है तो इसको बोलेंगे हम अनरिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है 50 उसमें 50 ऐड हो जाएगा, और अनरिसीव्ड इंटरेस्ट इज अवर असेट, इंटरेस्ट रिसीवर है वो इसलिए असेट में दिखा देंगे। दोस्तों पेटेंट फॉर 10 ईयर, इसका मतलब है हमने जो पेटेंट खरीदा है उसके लाइफ 10 ईयर है। यहाँ भी आपकी हिडन एडजस्टमेंट है, पेटेंट तो आपकी असेट है तो इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी मैं फाइंड कर देता हूँ आपको। डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट दोस्तों, पेटेंट कितना है आपका 25,000, कितने साल के लिए 10 ईयर्स के लिए, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका 2,500। इसके दो इफेक्ट होंगे, असेट में जाके पेटेंट में से माइनस हो जाएगा और जितना माइनस किया उतना पीएनएल के डेबिट में दिखा देंगे हम। मैंने पहले ही बता दिया था ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स इज असेट, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये आपका पीएनएल के डेबिट में जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री रेंट के ऊपर पे एडजस्टमेंट है दोस्तों, ये आपका चला जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरी एंड वेजेस, पीएनएल के डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में। मोटर इज असेट, फर्नीचर इज असेट, जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस एक साथ आए हैं तो जब एक साथ आते हैं तो ट्रेड एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग के डेबिट में और जनरल एक्सपेंसेस को पीएनएल के डेबिट में पोस्ट करते हैं। क्लियर, द आइडिया इज वेरी सिंपल। जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस जब एक साथ आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग के डेबिट में और जनरल एक्सपेंसेस को पीएनएल के डेबिट में पोस्ट कर देंगे। बिल्डिंग, यहाँ भी आपकी हिडन एडजस्टमेंट है बिल्डिंग की। बिल्डिंग बेसिकली हमारे लिए क्या है, असेट्स, तो यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन दिखाएंगे बिल्डिंग के ऊपर का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दोस्तों, बिल्डिंग कितने की देके रखा है आपको, 14,500 की, लाइफ दिया 10 ईयर्स यानी एक साल में हम कितने की यूज करेंगे बिल्डिंग, 1,450। लेकिन अगर आपने नोटिस किया तो नीचे दिया है बिल्डिंग परचेस फॉर 10 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017, अक्टूबर 17, नवंबर 17, दिसंबर 17, जनवरी 18, फरवरी 18, मार्च 18, यानी हमारे पास हमारे जो बैलेंस शीट का पीरियड है उस पीरियड में बिल्डिंग कितने समय के लिए थी, 6 मंथ के लिए, तो ये जो डेप्रिसिएशन निकला ये 1 ईयर का निकला, तो 6 मंथ का कैसे निकालेंगे, फॉर 6 मंथ डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ कैसे निकलेगा, 1450 को इंटू 6/12 कर देंगे। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, 1450 अपॉन 12 × 6, तो यह आएगा आपका 725 रुपये। और इसके भी दो इफेक्ट होंगे, एक असेट में जाएगा बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा और जितना माइनस किया उतना पीएनएल के डेबिट में दिखा देंगे। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी दोस्तों एडजस्टमेंट है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसा बोला है एडजस्टमेंट नंबर 4 में राइट ऑफ। राइट ऑफ का ही मतलब क्या है दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 1000, मोटर 1/5 एंड एडवर्टाइज एक्सपेंसेस 1000। दोस्तों वैसे तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर ये राइट ऑफ एंड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं आती थी तो एडवर्टाइजमेंट को अपन पीएनएल के डेबिट में दिखाते थे, अपने लिए एक्सपेंसेस रहता था। लेकिन अभी एडवर्टाइज एक्सपेंसेस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन बोला है 1000 रुपीज का, इसका मतलब है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी हमारे लिए ये क्या है दोस्तों, असेट्स है। इसमें से भी हम 1000 रुपया माइनस करेंगे और जितना माइनस किया उतना दिखा देंगे हम पीएनएल के डेबिट में, यानी असेट में से माइनस करेंगे
और जितना माइनस किया उतना दिखा देंगे हम पीएनएल के डेबिट में दोस्तों। वेरी नाइस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और असेट्स में जाएगा। इन द अमाउंट ऑफ रेंट एंड रेट्स इंश्योरेंस ऑफ ₹240 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018। दोस्तों ये भी बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट आपको देख रखे हैं, यानी आपको रेंट एंड रेट्स के अमाउंट में ₹240 इंक्लूडेड है। तो रेंट एंड रेट्स का अमाउंट कितना दे के रखा है आपको? ₹2400। ये ₹2400 के दो पार्ट कर देंगे हम, 2400 में से 240 पहले हटा देंगे आप। सो 2400 में से अगर आपने 240 हटा दिया तो ये हो गया आपका 2160 रेंट एंड रेट्स। अब ये ₹240 जो है ये इंश्योरेंस का है, इसके सामने लिख दिया मैंने इंश्योरेंस। पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018, यानी ये ₹240 में आपका कब तक पेड किया हुआ? ये 30 जून 2018 तक के। हमारा ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च को, लेकिन ये तो 30 जून 2018 तक के दे के रखा है, यानी 12 महीने के लिए दिया ये। यानी इसका पीरियड आपका 1 जुलाई 2017 को चालू होगा, 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक के, यानी 12 मंथ के लिए आपको दे के रखा है 240। तो हमारा पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018, अप्रैल 18, मई 18 और जून 18 का, यानी 3 महीने का यहाँ पे ज्यादा का दिया है। तो 3 महीने के लिए कितना? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो 3 महीने का, ये आपको मिलेगा प्रीपेड 3 × 240 अपॉन कर देंगे 12, तो कितना आएगा दोस्तों बताएंगे आप? वेरी नाइस, 312। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 240, ₹80, ₹60 आ जाएंगे। ₹60 आपका प्रीपेड है, तो क्या करेंगे इसको पीएनएल के डेबिट में जाएंगे, माइनस कर देंगे 240 में से, और जितना माइनस किया उतना असेट में दिखा देंगे। यानी ये भी आपका समझ में आ गया एडजस्टमेंट, ये भी आपको समझ में आ गया। यानी 2400 में से 240 को हमने बाहर कर दिया, 2160 ये चला जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट में, और 240 जो है वो 12 महीने के लिए था, तो 3 महीने के लिए कितना प्रीपेड है आपका? 60। 60 पीएनएल के डेबिट में 240 में से माइनस करेंगे और असेट में 60 रुपए दिखा देंगे। इन दी अमाउंट ऑफ फर्नीचर प्राइवेट सोफा सेट ऑफ केतन इंक्लूडेड ₹1000, ये ऑब्वियसली ड्रॉइंग हो गया, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे अपन, और असेट्स में से क्या कर देंगे? फर्नीचर में से कर देंगे माइनस। फैक्ट्री रेंट इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 दिसंबर 2018। दोस्तों फैक्ट्री रेंट आपको ₹2000 का दिखा है, देखो एडजस्टमेंट कितने इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे जो फैक्ट्री रेंट दिख रहा है वो दिख रहा है ₹2000, ये 31 दिसंबर 2018 तक के दिया है, यानी 31 मार्च 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का अगर पीरियड काउंट करेंगे तो 9 मंथ, तो ये जो है 12 मंथ का दिया है ऑब्वियसली, तो 12 महीने के लिए 2000, तो 9 महीने के लिए कितना? सिंपल है दोस्तों, अगर 31 दिसंबर 2018 पूरे ईयर का दिया है, यानी इसका इन्होंने पेमेंट करना चालू किया होगा जनवरी 2018 से, जनवरी से लेके दिसंबर 2018, 12 महीनों के लिए उन्होंने कितना दिया है? ₹2000। तो 9 महीनों के लिए उन्होंने ज्यादा, 9 महीनों के लिए अपन ने क्या किया है? ज्यादा का दे के रखा है ऑब्वियसली। 9 महीनों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो फैक्ट्री रेंट दे के रखा है 9 महीनों के लिए, जो फैक्ट्री रेंट है वो हमने ज्यादा का दिया है, यानी प्रीपेड है ये। यानी हमारे काम का सिर्फ 3 ही महीना है, जनवरी फरवरी मार्च 18, तो प्रीपेड निकाल लेंगे हम 9 × 2000 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा आपका 18, 12 ये आएगा आपका 1500।
इसके भी दो इफेक्ट देंगे हम, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, माइनस कर देंगे फैक्टर एंड में से, और जितना माइनस किया उतना असेट में दिखा देंगे। यानी ये भी आपके एडजस्टमेंट हो गए दोस्तों, सारे के सारे एडजस्टमेंट को अपन बहुत ही प्यार से इफेक्ट देंगे। क्लियर, बहुत इजी है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो हिडन एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको इफेक्ट देंगे हम। सबसे पहले इसको सबको कॉपी कर लेता हूं मैं आपके लिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाएंगी समझने में, तो फिर वो बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। वेरी नाइस, ये ले लिया यहाँ पे मैंने, पेस्ट कर दिया आपके लिए, यहां भी कर दिया पेस्ट और यहां भी कर दिया पेस्ट। बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप लोग समझ लेंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार कृपया सॉल्व करके देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा और मजा भी आएंगे इसको। ऐसे थोड़े दमदार क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो मजा आता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे और आपकी एग्जाम नजदीक आई है करके। क्या वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते बैठते हैं, वही 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 वही। चलो तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके दिखाई थी आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो है 400 रुपया पीएल के डेबिट में दिखाने का अपने को, पीएनएल के डेबिट में जाएंगे अपन, ये 100 रुपीज में ऐड कर देंगे। पहले तो अपन जो एडजस्टमेंट अपने रेगुलर है उसको अपन जैसा इफेक्ट देंगे वही करेंगे, बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट को। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के जाएगा क्रेडिट में, थ्री वन फाइव, और असेट्स में चला जाएगा आपका। चलो इन द अमाउंट ऑफ रेंट एंड रेट्स इंश्योरेंस ऑफ ₹240 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018। पहले तो आप रेंट के अमाउंट के दो टुकड़े कर दिए थे अपन ने, टू रेंट एंड रेट्स, इसमें से हमने बायफर्केट कर दिया था ये वाला 2160, ये दिखा दिया मैंने पीएनएल के डेबिट में 2160। अभी मैं इंश्योरेंस वाला जो एडजस्टमेंट है उसको इफेक्ट दूंगा, उसमें इंश्योरेंस का दिया हुआ था 240, लेस कर देंगे हम उसमें से प्रीपेड, प्रीपेड कितना था 60 रुपीज, तो आउटर में चला जाएगा आपका 180, 240 माइनस 60 180, और ये जो 60 है प्रीपेड ये चला जाएगा आपका असेट्स में दोस्तों, प्रीपेड इंश्योरेंस 60, ये भी हो गया आपका। इन द अमाउंट ऑफ फर्नीचर प्राइवेट सोफा सेट ऑफ मिस्टर केतन इंक्लूडेड ऑफ ₹1000, तो दोस्तों फर्नीचर पहले लेके आओ आप लोग, फर्नीचर कितना है असेट साइड में दिखा दो फर्नीचर को, ये आपका फर्नीचर 10,000, इसमें से जो सोफा प्राइवेट सोफा था वो माइनस कर दो, ड्राइंग है ये 1000, तो फर्नीचर बचा 9000 का। और दूसरा इफेक्ट हम लोग दिखा देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग, केतन के कॉलम में इन द अमाउंट, ये भी हो गया आपका थर्ड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ फर्नीचर बाय 1000, मोटर बाय 1/5, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस 1000। चलो इसमें से अभी हम लेस कर देंगे आपका राइट ऑफ मीन्स डेप्रिसिएशन 1000, आउटर में चलाएंगा 8000, मोटर को भी राइट ऑफ करने को बोला है दोस्तों उसने, तो मोटर लेके आएंगे कितना, मोटर आपको देके रखा है 10,000,
लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1/5, यानी 10,000 इंटू वन करेंगे, 10,000 इंटू वन करेंगे डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 2,000, आउटर में जाएगा 8,000 और एडवर्टाइजमेंट को भी लेंगे अपन यहाँ पे 5,000 और उसमें से लेस करने को बोला है उसने डेप्रिसिएशन 1,000 तो आउटर में चला जाएगा आपका 4,000. तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन एडवर्टाइजमेंट 1,000 दिखा देंगे पीएनएल के डेट में, 1,000, 2,000, 1,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन. ये था पहला फर्नीचर के ऊपर का, दूसरा था आपका मोटर के ऊपर का, तीसरा था आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर का. वेरी नाइस. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं दोस्तों अपन. फैक्ट्री रेंट इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018. तो फैक्ट्री रेंट तो आपका कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में. यहाँ का फॉर्मेट आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, यहाँ दिखा देंगे हम टू फैक्ट्री रेंट. ये दिखाया मैंने यहाँ पे फैक्ट्री रेंट कितना है 2,000 रुपया, 2,000 में से लेस कर देंगे हम प्रीपेड. ये 2,000 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पे किया है अपने काम का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, ये यानी 9 महीने का ज्यादा का पेड किया है तो प्रीपेड यहाँ से माइनस कर देंगे. 3 ही महीने का दिखाना पड़ता है, जितना हमारा पीरियड है बैलेंस शीट का उतने पीरियड के लिए दिखाएंगे. और 1,500 जो लेस किया है उसको हम दिखा देंगे असेट्स में. प्रीपेड फैक्ट्री रेंट 1,500. वेरी नाइस. ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया. बिल्डिंग परचेज फॉर 10 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017. दोस्तों बिल्डिंग अपन दिखाएंगे यहाँ पे, हम दिखा देंगे यहाँ पे बिल्डिंग. बिल्डिंग कितने की दी है आपको, 14,500 की, और उसका जो डेप्रिसिएशन है 1,450 आता था, लेकिन हमने बिल्डिंग परचेस कब किया है 1 अक्टूबर 2017 को, यानी 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा इसको. तो हमने निकाल के रखा है इसको ऑलरेडी 725 रुपए. यहाँ ऊपर आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था शुरू में, 725 रुपया डिप्रिसिएशन. ये देखो 725 रुपीज डिप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे हम 725, तो आउटर में कितना जाएगा 13,775. और जितना माइनस करेंगे उतना दिखा देंगे हम डेबिट में पीएनएल के, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 725. अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हिडन एडजस्टमेंट है इसको इफेक्ट दे देंगे. यहाँ पे था इंटरेस्ट ऑन लोन, 5,000 के ऊपर 10% हमें देना था 500, लेकिन हमने दिया है 100, 400 देना बाकी है. तो ये जो 100 रुपया आपको दिख रहा है इसको इफेक्ट देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 100, और उसमें आउटस्टैंडिंग कर देंगे हम लोग कितना, एड 400. तो जितना हमारा पीरियड में आना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन लोन 500 तो आ गया, पर 400 हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 400. वेरी नाइस. उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है 50, 50 मिलना बाकी है. तो ये 50 रुपये आपको दिया है, इसको पहले लेके जाएंगे पीएनएल के क्रेडिट में, उसमें 50 रुपये ऐड कर देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट. ये 50 रुपये कहाँ से लाया हमने, तो ये 50 रुपये ट्रायल बैलेंस ला गया. मिलना चाहिए था कितना, 100 रुपया, क्योंकि हमारे पास 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट थी, तो 3 महीने का 100 रुपया ब्याज होता है, लेकिन 50 रुपया मिला है, 50 रुपया मिलना बाकी है, तो ऐड कर देंगे अनरिसीव्ड आउटस्टैंडिंग
50 आउटर में चला जाएगा 100, यानी इस पीरियड का अपना ब्याज लेना था 100 रुपए, तो 100 रुपए दिखा दिया अपन ने, 50 मिला, 50 मिलना बाकी है, और ये 50 रुपए दिखा देंगे अपन असेट साइड में दोस्तों, अनरिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज। वेरी नाइस, यानी ये भी अपन ने इफेक्टिव दिया दोस्तों। एक डेप्रेशन ऑन पेटेंट क्या एडजस्टमेंट रह गया, 2500 रुपए आपको दिखाने का है पेटेंट का, तो पेटेंट दिखा देंगे असेट्स में हम, पहले असेट साइड जाएंगे हम लोग, पेटेंट जो है आपका वो दिखा देंगे हम, पेटेंट दिखा देंगे 25,000, उसमें से लेस कर देंगे अपन उसका डेप्रिसिएशन 2500, आउटर में जाएगा 22,500, और जितना माइनस किया है उतना दिखा देंगे अपन पी एंड क्रेडिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट माय डियर फ्रेंड्स 2,500। मेरे ख्याल से सारे के सारे एडजस्टमेंट आपके हो गए, फैक्ट्री रेंट, रेंट्स, ये भी सारी चीज हो गई है। अभी अपन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है इस पिक्चर में, ट्रेडिंग के डेबिट वाले आइटम पोस्ट कर देंगे, परचेसेस है 55,000, उसमें से लेस कर देंगे 4,500, 55,000 में से 4,500 लेस के आपको आउट में जाएगा 50,500, क्रेडिट में जाएगा आपका सेल्स 80,000, यानी ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया आपको क्वेश्चन में, तो आउट में चला जाएगा आपका 80,000, और क्या है आपका ट्रेडिंग के डेबिट में फैक्ट्री रेंट हो गया था हमारा, यस ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग के डेबिट में आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस साथ में दिया है, अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस आता तो पीएनएल के डेबिट में, सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस आता तो भी पीएनएल के डेबिट में, दोनों साथ में आएंगे तो जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। चलो ये भी हो गया आपका, अभी हम पोस्टिंग करेंगे पीएनएल के डेबिट वाले आइटम कौन से, भाई इंटरेस्ट पेड ऑन द अबव लोन 100 ले लिया था आपने, 50 भी ले लिया, रेंट रेट्स 2400 के दो टुकड़े करते 2160 यहाँ पे और 240 यहाँ पे, सैलरी एंड वेजेस रह गया था अपना 6,000 और जनरल एक्सपेंसेस हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स 400, बाकी सब हो गया। अभी ये यहाँ लिख देंगे हम पाए ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस इनका 30,000 एंड 20,000, 30 एंड 20,000। चलो फिर असेट्स लायबिलिटीज में आपको 10% लोन दिखाना है 5,000, यस असेट्स में 20% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट दिखाना है अपने को 2,000, ये भी हो गया, पेटेंट तो ले लिया, डेटर्स लेना बाकी आपका, डेटर्स 18,100 और क्रेडिटर्स लायबिलिटी में दिखा दो 13,050, ये भी हो गया, मोटर फर्नीचर तो हो ही गया था, बिल्डिंग भी हो गई थी आपकी और सारी चीज हो गई थी। अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस से फाइंड करेंगे डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल, 31,315 प्लस 80,000 113,315, डेबिट में 50,500 प्लस 300 प्लस 2,000 प्लस 100, ये आएगा आपका 52,900। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, तो 52,900 आ गया आपका
डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको 2000 में से 1500 माइनस किया तो यहाँ पे 500 आएगा ना, 50,000 500 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 100, 53,100 आता है वो। ऐसी गलती हो जाती है टीचर लोगों से भी कभी कभी। तो 1,13,315, 1,13,315, सो 1,13,315 में से माइनस कर दो 53,100, 1,13,315 में से माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 31,315 है ना, ये 31,315, 80,000, 31,315। यहाँ भी अपन ने गलती कर दी, 1,11,000 आता है ना, ये 1,11,315 में से माइनस कर देंगे 53,100, तो यहाँ आएगा 2 क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 58,215। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल के अपन दिखा देंगे क्रेडिट में 58,215 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, वेरी नाइस। अभी यहां भी अपन करेंगे डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, 58,215 प्लस 100, 58,315 आ जाएगा ये। अभी आप लोग डेबिट की टोटल करेंगे, यस डेबिट की टोटल कितने आएंगी? 16,465। यस yes. 16,465। तो यहाँ भी कौन सी साइड बड़ी आ रही है आपकी दोस्तों? क्रेडिट साइड 58,315, 58,315, सो 58,315 में से माइनस कर देंगे 16,465। तो आपको यहाँ मिलेगा 41,850, इसे क्या बोलते हैं? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके किसके कैपिटल में जाएंगे? केतन के और चेतन के। ये आपका 41,850, दोनों इक्वल पार्टनर है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, तो 20,925, 20,925, सो बाय पी एंड एल अकाउंट 20,925, 20,925। अभी हम कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्लोज दोस्तों, तो देखेंगे 50,925, 40,925, इतना 50,925, 40,925, 50,925 में से माइनस कर दो 1,000, 49,925, और इसका तो कुछ नहीं है, 40,925 माइनस नील 40,925 हो जाएगा। टू क्लोजिंग बैलेंस, ये है बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंसिंग फिगर आपके कहाँ चले जाएंगे दोस्तों? बैलेंसिंग फिगर आपकी चली जाएंगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट केतन, चेतन
कितना था बैलेंस उनका? 4,09,25, 4,09,25। अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और असेट के अपन टोटल करेंगे। 4,09,25 प्लस 4,09,25 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 13,050, तो आपका टैली हो रहा है 109,300 के ऊपर। अभी अपन असेट साइड टोटल कर देंगे। 8,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 13,775 प्लस 2,000 प्लस 31,315 प्लस 60 प्लस 1,500 प्लस 50 प्लस 22,500 प्लस 18,100, तो इसकी भी टोटल आती है आपकी 1,09,300। ये आपके 12वीं के कोर्स का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। बात अच्छे से सुनो मेरी, वीडियो जरूर लंबा हुआ है, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, लेकिन ये 12वीं का क्वेश्चन का हाइट था। ये आपका इतिहास चेंज कर देगा इस चैप्टर का और आने वाले आपके पढ़ाई का। तो इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार आप सॉल्व करके देखोगे। जिन बच्चों को मेरिट में आना है वो बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।